नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। भारत सभी जाति और धर्म से जुड़ा हुआ देश है। इसमें सभी धर्म जाति के लोग रहते हैं, जिनकी अपने अपने धर्म के अनुसार विचारधारा है। हैरान करने वाली बात यह है कि हिंदुस्तान में पढ़े लिखे लोग भी अंधविश्वास से अछूते नहीं है। कोई भी मान्यता या रिवाज जिसे मानने के पीछे ना तो कोई पुख्ता सबूत होता है, ना ही कोई सही तर्क, उसे अंधविश्वास कहा जाता है। जैसे कि रात को सोते हुए सपने में उस डरावना देखना, बिल्ली का रास्ता काट जाना, काम की जगह और घर गाड़ी आदि में नींबू मिर्ची लगाना, बच्चे को नजर लग जाना आदि आपके अक्सर लोगों के वाहनों के पीछे जूते चप्पल लटके हुए देखे होंगे। साथ ही वाहनों पर लिखा भी रहता है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। अब आप खुद सोचिए कि ऐसा लिखने से क्या किसी को कोई फर्क पड़ा? जैसे जब कभी किसी रास्ते में गुजरते समय बिल्ली हमारा रास्ता काट देती है तो हमारे मन में अपशगुन होने का ख्याल आता है, परंतु हमने कभी भी इस बात को आजमाया नहीं है। हमने यह सिर्फ सुना है और उस पर विश्वास करना शुरू कर दिया। हमने कभी भी रास्ते के बीच में बिल्ली के गुजरने की स्थिति को विवेकतापूर्ण तरीके से नहीं सोचा, इसलिए हमारे मन में पहले ही ख्याल आ जाता है कि बिल्ली के कटे हुए रास्ते में आगे जाना यानी कि समस्याओं से भरा होना है। यही नहीं, बड़े से बड़े लोगों का यही मानना है कि अगर छींक आ जाए तो कुछ पल के लिए हमें वहां पर रुक जाना चाहिए। ऐसी ही बातों पर हम आंख बंद कर करके विश्वास करते हैं और यही हमारा अंधविश्वास है। इसी तरह के अंधविश्वास को लेकर आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देंगे, इसलिए हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए बात करते हैं अंधविश्वास फैलता कैसे है। झूठ पर विश्वास करना ही अंधविश्वास फैलने का सबसे मुख्य कारण है। हम खुद पर कभी विश्वास नहीं करते, परंतु अन्य लोगों की छोटी छोटी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। अंधविश्वास का दूसरा मुख्य कारण लोगों का कम पढ़ा लिखा होना भी है, जिसमें पढ़े लिखे लोग भी आ जाते हैं। आज के वर्तमान युग में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पौराणिक प्रथाओं को मानते हैं और उन्हीं के हिसाब से वे अपना जीवन यापन करते हैं और प्रत्येक कार्य करने से पहले उन पौराणिक कथाओं की पूजा भी करते हैं। विशेषज्ञों की माने तो लोग खुद पर से ज्यादा विश्वास दूसरों की कही बातों पर करते हैं। किस्मत के भरोसे रहना भी सबसे बड़ा अंधविश्वास है, क्योंकि कई बार बहुत सारे लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन जो किस्मत में होगा ये मानकर बैठ जाते हैं। आप तक सही जानकारी देने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर कुछ लोगों से बात की। लोगों को जब हमने अलग अलग अंधविश्वास के बारे में बात की तो देखिए लोगों ने क्या कहा। हाँ, बच्चे रोने लगते हैं, बच्चे दूध नहीं पीते हैं माँ के अपने, ऐसे नजर लगता है। ये कैसे पता चलेगा नजर लग लग गया? किसी किसी का होता है, आँख से देखते हैं, बच्चे सूख जाते हैं, बच्चे कितने बच्चे और खत्म भी हो जाते हैं, ऐसे ऐसे आदमी है पर नजर लगती है। अंकल जी कह रहे हैं हमें भी लग जाती है। हाँ, उनको भी नजर लग जाला। और राई, नमक, चोकर का आटा, गेहूं का आटा का सब बोझ के नवाला, मर्चा नींबू से उतारा जला नजर, हर चीज से नजर उतरता। 100 साल पहले ही जी रहे हैं लोग, अपने पर बिलीव नहीं है, वही चीज है। लोगों ने एक ट्रेंड है ना, भेड़ो को देखा अपने चलते हुए, एक भेड़ सर झुका के चल रही है उसके पीछे सभी लोग ऐसे चलते हैं, वही ट्रेंड चल रहा है। कहते हैं ना कि दूसरे के घर में जो हो रहा है, यार इसके घर में ऐसा कैसे हो गया, नींबू मिर्च लगाने से अब ये बिल्कुल सही हो गया तो मैं भी लगाऊं, तो यही एक अंधविश्वास है। अंधविश्वास भी कह सकते हैं और मैडम विश्वास वाली भी चीज़ है कि आजकल हो रहा है, ये होता है, आदमी मर जाता है, मरने के बाद भी इस धरती लोग पे रहता है, वो परेशान करता है, उन चीज़ों में लोग विश्वास करते हैं, नींबू मिर्च लगा लेते हैं कि कुछ होए ना, तांत्रिकों के पास जाते हैं, बस यही चल रहा है, एक के पीछे एक चल रहा है। मैम ऐसा कुछ नहीं है, देखो ये तो नियमिति का नियम है, ये तो एक जो आया है वो तो जाएगा ही। अगर हमारा कोई रात को मर जाता है तो क्या हम उसके साथ जाते नहीं है?
इट्स अप टू यू, इट्स अप टू मी कि हम क्या करते हैं, विश्वास करते नहीं करते। अब आप इनको भी सुनिए। हाँ जरूर काट देती है। हाँ ये खतरा बहुत खतरनाक होता है। क्यों खतरा हो जाता है? हम यहाँ से गए 16 तारीख है, रास्ता में गए तब वो गाड़ी पलट गई रास्ते में, पूरा पेट्रोल की गाड़ी धनक रही है, 3-4 गाड़ी जर गई। 16 तारीख यही 16 तारीख बिल्ली ने रास्ता काटा था इसलिए हुआ। हाँ बिल्ली तो यहीं पर काट दिया हमको, अम्बेडकर के पास में बिल्ली रास्ता, काली बिल्ली जा रही थी साइकिल मार्केट। अब हम कहे जो खतरा जरूर होगा, रास्ते में गए तो 2 बजे रात के आपको आग लग गई टंकर में, हमारी बस रुक गई, 3 बस का पीछे हम थे, फिर आगे गई तो हमारी चक्का गाड़ी का भड़क गया। हमारा खतरा आ रहा है, भगवान भगवान करके घर गए। जी हमारी माँ बताती थी अगर जाते हैं रास्ता काट दिया तो रुक जाना चाहिए, एक आदमी चला जाए तो अब आप जाइए। तो जो जाएगा नुकसान तो उसका भी होगा, फिर होगा तो वो अनजान में चला गया। आप देख लिया था, आप बन जाइए। तो सुना आपने हम कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी अंधविश्वास को बढ़ावा देते आए हैं। अंधविश्वास को फैलने से रोकने का उपाय बड़े ही सरल है, जिन्हें मानकर हम इन कुरीतियों के जाल से निकल सकते हैं। हमें खुद पर विश्वास रखना होगा, लोगों की कई सारी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, समाज को शिक्षित भी होना पड़ेगा। सौगन टीवी की ओर से जुटाई गई इस जानकारी से आप कितने संतुष्ट हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगन टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।